The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। तीन महिलाओं का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जी हां, थाना कंगड़खेड़ा क्षेत्र से खिरवा रोड पर ग्रैंड ओपेरा मंडप में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच तीन संदिग्ध महिलाएं इस शादी के कार्यक्रम में घूमती हुई दिखाई दी। परिजनों को इन महिलाओं पर शक हुआ तो उन्होंने थाना पुलिस को इन महिलाओं की सूचना दी, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में तीनों महिलाओं ने कबूल किया है कि वो तीनों पिछले एक साल से अलग अलग मंडपों में हो रहे शादी कार्यक्रम में शामिल हो जाया करती थी और वहां मौजूद कीमती जेवरात समेत अन्य महंगे साजो सामान पर हाथ साफ कर बड़ी आसानी से फरार हो जाया करती थी। पुलिस पूछताछ में इन तीनों महिलाओं ने कबूला है कि उनके द्वारा अब तक अनगिनत वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन महिलाओं पर पूर्व में भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और ये तीनों महिलाएं मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। देखिए इस मामले में एसपी सिटी पीयूष सिंह का क्या कहना है। सर, कंगड़खेड़ा पुलिस ने वीआईपी जो महिला चोर पकड़ी है, क्या किस तरह से घटना अंजाम दी? ये कंगड़खेड़ा पुलिस के द्वारा तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रानी, अक्षिता और मनीषा हैं। ये मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ये महिलाएँ विभिन्न फंक्शन में, शादी है, ब्याह है या किसी और कार्यक्रम में बतौर मेहमान पहुंच जाया करती थी और वहां पे जो है महिलाओं की जो ज्वेलरी है, फ़ोन है, इन सामानों को जो है वहां से चोरी कर लिया करती थी। इस संबंध में थाना कंकरखेड़ा में पहले भी एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी अभियोग के अनावरण में कंकरखेड़ा पुलिस लगी हुई थी। कंकरखेड़ा पुलिस को इसके अनावरण में सफलता प्राप्त हुई है। चोरी गया माल भी बरामद किया गया है और इन महिलाओं के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। किस तरह से बात आपको अंजाम देती थी, क्या अपना गेटअप जो है लोगों चेंज करके जाती थी? जैसा मैंने बताया कि ये जो विभिन्न फंक्शन होते हैं, विशेषकर शादी विवाह के, उसमें ये बतौर मेहमान ऐसे गेस्ट वहाँ पे जाया करती थी और लोगों के बीच में घुल मिलकर उनकी चेन है, पर्स है, मोबाइल है या जो भी सामान इनके हाथ लग गया था उसको चोरी कर लिया करते थे। सर, कितनी शादियों में अभी तक कुछ खुलासा हुआ कि कितनी शादी? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। एक साल से लगातार सक्रिय थे? हाँ, इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही, डिटेल विवरण मिलने पे आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू। इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में जहाँ एक महिला अपने घर और समाज को बेहतर बनाने के लिए एक मिसाल बनकर सामने आनी चाहिए, उस दौर में महिलाओं के ऐसे कृत्य हैरान कर देने वाले हैं और सवाल उठने लगा है कि आखिर इन महिलाओं की मानसिकता क्या हो गई है कि वो जुर्म की वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रही। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।